देखो तुम अपना गलती मान रहे हो ना, वो बहुत है, बस आगे से ध्यान रखना। जाओ भी। देखिए, अगर आपने हमारा चालान नहीं किया तो हम आप पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। अपना कर्तव्य ना करने के अपराध में हम आप पर मुकदमा करेंगे। हमारे दादाजी कहा करते थे कि अपराध सबसे बड़ा गुनाह है और उससे भी बड़ा गुनाह है अपराध को छुपाना। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा चालान काटिए। नहीं, हमको आप एक बात बताइए, आप कौन से ग्रह से टपक के आए हैं? क्योंकि आप इस ग्रह के प्राणी महसूस नहीं हो रहे। क्या क्या नाम क्या है आपका? स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी। आपका 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 नाम? वही बता रहे हैं, इनकलाबी श्री ज्ञान प्रकाश शास्त्री के हम पोते हैं, भरत कुमार शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री, बहुत बढ़िया। भरत कुमार शास्त्री, आप बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के हैं। आप जैसे सच्चे और ईमानदार लोग जो है ना, इस दुनिया में आजकल कम देखने को मिलते हैं। आप बस ऐसी प्रेरणा देते रहिए, आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पुष्पा जी, चलान काटिए इनका। जी भरत। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा मानसिक तनाव की वजह से तुम हेलमेट पहनना भूल गए, तुमको क्या मानसिक तनाव है? दरअसल हम एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, हम अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है चालान। नहीं नहीं, हम ये बातें नहीं लिख रहे हैं, हम तारीख और गाड़ी का नंबर लिख रहे हैं। आप बताइए, आप बताइए। हाँ। बताइए बताइए। देखिए, फिर भी हमें नौकरी से निकाला जा रहा है, हम अकेले ही अपने घर में कमाने वाले हैं, सारे घर की जिम्मेदारी हम पर है। तो अभी कितने लोग हैं आपके घर पर? हम अकेले ही हैं। हाँ? नहीं नहीं, अभी हम घर में अकेले ही हैं, परिवार में 6 लोग और हैं जो गाँव में हैं। अच्छा, नौकरी चली गई तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। बस उसी तनाव में थे और हम निकल गए। तुम्हारा जैसे ईमानदार सच्चे इंसान को नौकरी से कोई काहे निकालेगा? हम नौकरी के लायक नहीं हैं। तुम लायक नहीं हो नौकरी के? हाँ, क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। अमा, क्या बिल्कुल ही लपड़ गंजू है क्या तुम्हारा मैनेजर? तुमको अंग्रेजी नहीं आता, इस चक्कर में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा है? मतलब अंग्रेजी नहीं आते तो सारा हुनर, सारा टैलेंट, सारी योग्यता, वो सब कूड़े में गई? कूड़ा ना तुम्हारे मैनेजर के दिमाग में भरा हुआ है, पता तुमको? बिल्कुल सही कहा, ये कचरा तो सभी जगह भरा पड़ा है। हर एक को अपने यहाँ सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला ही चाहिए। मतलब हवाई अड्डा हो, दुकानें हो, मॉल हो, ऑफिस हो, सभी जगह यही हाल है। जिसकी जितनी अंग्रेजी अच्छी, बस वो उतना ही काबिल। एकदम सही बात बोली है पुष्पा जी आप, एकदम 100% सही। हम पूरा सहमति रखते हैं आपसे। आपको पता है संतु जी, आपको पता है? नहीं। बता रहे हैं ना संतु जी, हम पता है संतु जी, आजकल के जमाने में अगर कोई लड़का किसी लड़की के पास जाए और हिंदी में बोल दे ना कि हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो ना लड़की ऐसा मुंह बना लेती है ना जैसे कि लड़का उससे चंदा मांग लिया हो। लेकिन अगर यही बात लड़का उससे इंग्लिश में बोल देना तो लड़की इतना खुश हो जाती है, इतना इठलाना शुरू कर देती है ना जैसे कि वॉशिंग मशीन में लॉटरी निकल गया हो। पहले अंग्रेजों का राज था, अब अंग्रेजी का राज है ना। पुष्पा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बार गांव गए थे ना तो सारा हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गए, खाली इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू है। हमारे बाबूजी का बीमारी तक ना डॉक्टर हिंदी में नहीं बता रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था कि बोलो गेस्ट्रो पेस्ट्रो कुछ तो हुआ है उनको। हमारे बाबूजी को कुल मिला जुला के हुआ खाली जुला भी। मतलब तुम्हारे बाबूजी एक महीने तक? हाँ। तुम चिंता कर रहे हो कि मजाक उड़ा रहे हो यार? हम तो चिंता ही कर रहे हैं, लेकिन चिता भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अरे हटो, तुम्हारी तो यार जॉब जा रही है, हमारा तो धंधा इस वजह से बचे हुए हैं। अब देखो, हमारी दुकान में कोई आता है, अगर रेट हम उसको हिंदी में बता देते हैं तो ऐसे देखता जैसे कैंची दिखा के लूट रहे हैं हम। वो तो अंग्रेजी सैलून में जाओ ना, अंग्रेजी में जब पैसे मांगते हैं सब तो लोग रिक्शे का भाड़ा तक दे के चले जाते हैं और हमसे डिस्काउंट मांगते हैं। बताओ भाई, ये क्या चल रहा है? वैसे बात तो सही है, जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसकी कोई पूछ नहीं। पूछ? पुष्पा जी पूछ? देखिए केकड़ा, अरे क्या पूछ, पूछ नहीं फिर पूछ, इम्पोर्टेंस पूछ। अच्छा पूछ। जहाँ इंसान की पहचान, उसकी योग्यता, उसका महत्व सिर्फ एक भाषा पर निर्भर हो, वहाँ कैसे कोई काबिल इंसान अपनी काबिलियत सिद्ध करे? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। वही तो, मतलब जिसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती वो किसी लायक नहीं। वुमन हैज बीन डिफंस्टरेटेड। हंस क्या रहे हो बे, कुछ गलत बोले क्या? अरे स्टूपिड, वो डिफेनेस्ट्रेटेड नहीं, डिफेनेस्ट्रेटेड होता है, मतलब विंडो से बाहर फेंकना। क्या होगा तुम्हारा करिश्मा सिंह? बकवास, सब बकवास है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी आने या ना आने से, हम बता रहे हैं तुमको।
सबसे ज्यादा जरूरी होता ना इंसान का आत्मविश्वास और उसकी योग्यता, जो किसी की मोहताज नहीं होती। हमको भी बहुत बोला जाता था, ए तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी जिंदगी में, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी जिंदगी में, देखो देखो हम कहाँ खड़े हैं तुम सबके सामने आज। सुना होता ना हमने उनका बकवास बात, तो हम किसी के घर पे बर्तन घिस रहे होते अभी। लेकिन नहीं सुना हमने और तुमको भी नहीं सुनने देंगे, समझ रहे हो तुम? तुम्हारा नौकरी ना हम तुमको वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। और पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तुम चलो हमारे साथ। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए आते हैं। कार्य प्रगति पर है सर, प्लान काम कर रहा है और जैसा हमने सोचा था उससे अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम हसीना मलिक जी आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। सॉरी सर, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, हसीना मलिक हमसे मिलने आई है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना मलिक। बताइए, हम बहुत उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि ऐसा कौन सा व्यक्तिगत कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट किया है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। पर उस दिन तो आपने हमें आपका दिल दे दिया था ना, तो अब क्या देना है? हाँ? गुब्बारा। ओ। हम मजाक कर रहे थे। ये आपके। धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आए। जय हिंद सर। जय हिंद। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें पर्सनल काम था थोड़ा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम सर? इसमें पूछने की क्या बात है? देख नहीं रही हैं आप डीएसपी सर के हाथ में क्या है? हम मैडम सर भी तो अपने निजी काम से आई हैं। डीएसपी सर ने हमें गिफ्ट दिया था कुछ दिनों पहले, तो हमने सोचा हमें भी इन्हें कुछ देना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट? रिटर्न गिफ्ट जी, बस वही देने आए। हम खोलें इसे? जी प्लीज। देखा, हमने कहा था खुली आंखों से देखा हुआ सपना अक्सर सच होता है। भाई हमको तो सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सेलफोन नहीं रखते हैं ना, तो हमने सोचा सबसे अच्छा गिफ्ट तो यही होगा, ताकि हम सब हमेशा आपके कांटेक्ट में रह सकें डीएसपी सर। नहीं चाहिए, मतलब अनु भैया को सर को फोन की आदत नहीं है ना, और अगर कभी लेना होगा तो खुद ही ले लेंगे, उनको गिफ्ट पसंद नहीं है ज्यादा सबसे लेना, है ना? हम सही कह रहे हैं ना? हाँ बात तो सही है, परंतु किसी का हृदय तोड़ना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, वैसे तो बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं आपने, मगर इस बात पे हम आपसे सहमत हैं। अब इतने प्रेम से ये हमारे लिए कुछ लाई हैं, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बात भी सही है, हम डीएसपी हैं, हमारी टीम के लिए हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, इसलिए हम ये भेंट स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। वैसे आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं? वो हमको हाँ बताइए ना। हाँ बता रहे हैं ना, मिलवाना है आपको किसी से हमको। सर इनका नाम है भरत शास्त्री। भरत कुमार शास्त्री जी, भरत कुमार शास्त्री जी हैं ये, बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हैं। इनकी ईमानदारी की गारंटी हम पर्सनल लेवल पे लेते हैं सर। इनको अंग्रेजी नहीं आता है, तो उसका क्या है, वो तो हमको भी नहीं आता है, पर उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इनको जॉब नहीं मिल रहा है, इनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा जॉब हो तो। लेकिन इन्हें जॉब की जरूरत क्या है? अभी आपने कहा ना कि UFD बैंक में ये काम करते हैं। निकाला जा रहा है ना जॉब से,
क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? देखिए, आप अपने बैंक मैनेजर से बात करिए, उनसे थोड़ा सा वक्त मांगिए और जाकर अंग्रेजी सीखिए। एक बार प्रैक्टिस हो गई कि फिर अपना जॉब वापस शुरू कर दीजिए। और वैसे भी आजकल के जॉब्स में इंग्लिश आना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर आपकी इसी सोच की वजह से हिंदी भाषा का महत्व कम हो गया है। आप क्या ये बात आसानी से बोल लेंगे, क्योंकि आपको अंग्रेजी बहुत फराटेदार आती है, आपको दिक्कत नहीं होता अंग्रेजी बोलने में? अगर पूछना है ना तो भरत जैसे इंसान से पूछिए, जिसको अंग्रेजी ना आने की वजह से आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है जिंदगी में। एक मिनट, करिश्मा सिंह, हम कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और समझ रही हैं। नहीं, आप हमें समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कह रही हैं। आप अंग्रेजी भाषा का इतना साइड क्यों ले रही है? गलत प्रचलन का इतना साइड क्यों ले रही है? अरे आप इस बहस को यही खत्म करते हैं। नहीं नहीं हसीना जी, आप जारी रखिए, हम जानना चाहते हैं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचती हैं आप इस बारे में। हम भी देखिए सर, हम अंग्रेजी भाषा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ, गलत हुआ, हम ये बात मानते हैं। हम भी अपनी हिंदी भाषा को उतनी ही इज्जत देते हैं और जब कोई हिंदी के सामने अंग्रेजी को प्रेफरेंस देता है तो हमें भी उतना ही बुरा लगता है जितना शायद अभी आप दोनों को लग रहा है। नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं। आप एक तरफ कह रही हैं अंग्रेजी भाषा सीखो, दूसरी तरफ कह रही हैं आपको बुरा लगता है। मतलब आप पॉइंट पे आइए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? अपना फोन दीजिए। फोन का क्या करेंगी आप? दीजिए ना। हाँ, दे रहे। आपके फोन में ये कैमरा ऐप है? हाँ है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। तो फिर इस ऐप को डिलीट क्यों नहीं कर दिया? रखा हुआ है, कभी काम आ सकता है, इसमें नुकसान क्या अगर पड़ा है तो? एग्जैक्टली, हमारे विचार अंग्रेजी भाषा के बारे में बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर सीख लिया तो उसमें नुकसान ही क्या है, कभी ना कभी काम आ जाएगी। देखिए, दूसरी भाषाओं की तरह अंग्रेजी भी एक भाषा ही है ना, अगर आप सीख लेंगे तो उसमें बुराई क्या है? कभी भी कुछ भी सीखा हुआ जिंदगी में जाया नहीं जाता, कभी ना कभी काम आ ही जाता है, तो अंग्रेजी भी काम आ जाएगी। और इसमें आपका नुकसान भी तो नहीं है, आपको आपका जॉब वापस मिल जाएगा, आप एक नई भाषा सीख लेंगे, और ये सब करने में आपका अपनी हिंदी भाषा के प्रति जो लगाव है, जो समर्पण है, वो कम तो नहीं हो जाता? ये बिल्कुल सही है, हम सहमत है। ये क्या बोल रहे हैं आप अनु भैया? सर, आप हिंदी भाषा के इतने बड़े पुजारी हैं, आप अंग्रेजी भाषा का समर्थन काय कर रहे हैं? आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह, हम अंग्रेजी भाषा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक व्यवहारिक बात पर अपनी सहमति दे रहे हैं। हाँ हाँ, देंगे ही ना, सहमति दी किसे जा रही है उस पर भी तो निर्भर करता है। तुम चलो हमारे साथ, हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, चलो। देखिए, उचित है किंतु। किंतु का भरोसा नहीं है हम पर? नहीं है। नहीं है? नहीं, अल्प विराम है, नहीं है, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। है, भरोसा है, किंतु। किंतु का? हम हसीना मैडम से सहमत हैं। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, यदि हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले भी लें तो इसमें क्या बुराई है, कभी ना कभी तो हमारे काम आएगी। हमारे क्रांतिकारी स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि आंधी बड़े से बड़ा वृक्ष उड़ा ले जाती है, लेकिन घास को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि घास लचीली होती है। एक मिनट श्रीमान, क्या होती है? लचीली होती है। बहुत बढ़िया, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप देखिए, आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपसे मिलकर और आपकी मीठी वाणी सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई श्रीमान। आपसे भी मिलकर हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए श्रीमान। प्रस्थान कीजिए श्रीमान। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। वाह, मान गए हसीना जी। S.H.O हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। वायरल। आपको वायरल हुआ है तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए था ना, पुलिस को क्यों बुलाया? नो, माय नेम इज वायरल, वायरल किंग। कितना अजीब नाम है ना, वायरल। एक्चुअली ओरिजिनली इट वाज विरल शाह, बट देन इंग्लिश एक्सेंट में
viril viral ho jata hai, so I thought it sounded much better than viril, and now it is viral king. To wo aap hi hain jinhone police thane mein phone kiya tha, chori hui hai aur apne chor ko pakad ke rakha hai. Yes, that was me. I called you about the theft. Aap hindi mein baat kar sakte hain? Why hindi? You don't speak or understand English? Aapko English aati nahi? No, we don't. Shall we leave? No. I'm SP. Sick person. To phir kaha na, humne doctor ko bulana chahiye tha. Police ko kyun bulaya? No. I mean, I'm surprised. Aap SHO hai and you don't speak English. By the way, I did my MBA in London. Wahan sabhi police wale English bolte hain. क्या बात कर रहे हैं आप? लंदन में सब अंग्रेजी में बात करते हैं और हिंदुस्तान में तो सब हिंदी में बात करते हैं. मतलब वो अपने देश की भाषा बोलते हैं और हम हमारे देश की भाषा. क्या बात है. Right, इसलिए हम उनसे पीछे रह गए. पता नहीं कब हम उनके लेवल पर पहुंच जाएंगे. जब हम अपनी हिंदी भाषा को इज्जत देना सीख जाएंगे तब पहुँच जाएंगे. और फिलहाल आपको अगर एतराज ना हो और आपको बोलने में तकलीफ ना हो तो आप बताएंगे कि चोर कहाँ है. FM? हमें ये भी कोई वक्त है एफएम सुनने का. Follow me. हिंदी. मैडम सर ने हिंदी में बात करने के लिए कहा है ना, तो हिंदी में बात कीजिए. आइए. चलिए मेरे पीछे. आप आइए आगे. मेरे पीछे. आइए. मेरे पीछे आइए. मैडम सर, ये तो भरत है. आप जानते हैं इसे? Sit down, carry on with your work. इंडियन पुलिस चोरों को नाम से जानते हैं. मैडम, हमने चोरी नहीं की है, हमें जान पूछ के फंसाया जा रहा है. He's telling lies. झूठ बोल रहा है ये. कोई क्यों फंसाएगा, ये फंसाने लायक है क्या इसमें? देखो यहाँ सबको, just look at all these boys and girls. Stand up. अच्छे घरों से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड है. सिट. और इसको देखो. Poor fellow. हिंदी मीडियम से निकला एक बैकवर्ड, डेस्परेट, सस्पिशियस फेलो. ये चोरी इसी ने की है. ऑफिसर, AH मतलब अरेस्ट हिम. व्हाट नॉनसेंस इज दिस. देखिए, भाषा और लुक्स के बेसिस पर किसी को इस तरह से गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता. और ये भी कोई उठाई गिरा नहीं है. इनके दादाजी जो थे ना, एक महान क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकलाबी थे, तात्या टोपे के सहपाठी थे. और ये भी उच्च शिक्षित है, मतलब वेल एजुकेटेड आपकी भाषा में. आपके पास सबूत क्या है जो इतना वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं आप इस बेचारे पे? LMSY. अब इसका मतलब क्या है? लेट मी शो यू. ये है CKA, कैश कम अकाउंटेंट. बैंकिंग आवर्स खत्म होने के बाद जब मैं कैश रीचेक कर रहा था तो पता चला कि टोटल फिगर से 10,000 रुपीज कम है. और जब इसकी बैग की तलाशी ली गई तो सेम अमाउंट हमें इसके बैग से मिला. हमें नोट्स के सीरियल नंबर्स को मिलाया तो इसके बैग से मिले नोट के सीरीज हमारे गायब हुए नोट्स से मैच हो गया. नहीं, मैडम सर, ऐसा हो ही नहीं सकता. भरत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता. HKKLK PLK FK. अब इसका मतलब? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फर्सी क्या. अगर आप चाहें तो आप CCTV फुटेज भी देख सकते हैं. विटनेस है जिन्होंने इसे ये करते हुए अपनी आंखों से देखा है. भरत, सच सच बता, क्या तुमने ये पैसे चुराए हैं? मैडम, हमारे स्वर्गीय दादाजी कहा करते थे कि इंसान की आंखें उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती है. देखिए इन आंखों को, आपको लगता है कि ये चोर की आंखें हैं? दादाजी, आंखें दर्पण? Are you, what nonsense is this? क्या बकवास बोल रहा है? Officer, look, मेरे पास कॉन्क्रीट एयरटाइट प्रूफ है कि ये चोरी इसी आदमी ने की है. अब या तो आप इन्हें अरेस्ट कीजिए या मुझे आपके सीनियर्स से बात करनी होगी. CIY. Choice is yours.
मैडम जी सुनिए, हम बेकसूर हैं। हाँ हम जानते हैं तुम बेकसूर हो, हम जानते हैं अच्छे से, और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुमको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। चीते मैडम, ये खोलो ताला। मैडम ऐसा अबोध खरगोश गोबर गड़े आदमी को अंदर कहाँ डाल दिया आप? हम जानते हैं कहाँ अंदर डाला है, पुष्पा जी हमको सब बताइए। तुम खोलो ना ताला। मैडम नहीं है। क्या नहीं है? चाबी नहीं है हमारे पास, ताला खाना संतू जी के पास। संतू जी चाबी दीजिए ना। चाबी दी है कबड़ की, तब भी ठीक नहीं कर पा रहे ये। उफ़, ये मासूमियत। संतू लॉकअप की चाबी, लॉकअप की चाबी हमारे पास नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है चाबी? तुम्हारे पास नहीं है चाबी तो क्या भूत आया था क्या चाबी लेने? तुम एक सेकंड होल्ड करो। मैडम मैं पक्का झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो अभी तक मेरे पेट में बवाल हो गया होता। हाँ मैडम, हमको ना हमारे से ज्यादा संतू जी के बारे में पता है, सही बोल रही हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। हाँ चुप रहो बिल्ले। मैडम मैं आया। गया मैडम। मजा आया। ये करने के लिए गांव से आए? क्या हुआ मैडम? उस्तादी दिखाओ अपना, ये ताला खोलो। चाबी कहाँ है? चाबी नहीं है इसलिए तुमको बुलाया ना चोर। संतोष जी चाबी चाबी चाबी। चाबी तो दे के रखी, तब भी नहीं कर पा रहे हैं ये। ये क्या है? मासूमियत। थैंक यू पुष्पा जी। ना ना जल्दी खोल, जल्दी खोलो। खोल खोल बाबू खोल। रुक जा बिल्लू। बिल्लू तुम ये लॉकअप नहीं खोलोगे। ओके। बिल्लू लॉकअप खोलो। ओके। बिल्लू लॉकअप नहीं खोलोगे। ओके। बिल्ला हमने बोला ना लॉकअप खोलो, तो लॉकअप खोलो। ओके। ये हमारा ऑर्डर है, लॉकअप नहीं खोलोगे। जाओ रुक जाओ। मैडम मैडम सर आप पहले दोनों डिसाइड करो, ये खोलना है कि नहीं खोलना है। कर दो सारे सारे के सारे सारे दरवाजे खोल दो। भूत दरवाजे में चुर 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 चुर। मैडम सर आप जानती है भरत निर्दोष है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है, उसको फंसाया जा रहा है। हम जानते हैं। आप जानती हैं फिर भी? करिश्मा सिंह हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बैंक का स्टाफ, सीसीटीवी फुटेज, इसके बैग में जो पैसे बरामद हुए, ये सारे सबूत इसके खिलाफ है। लेकिन मैडम वो सब झूठ है। देखिए जब तक सच साबित नहीं हो जाता आपको लॉकअप में ही रहना होगा, और इन्हें लॉकअप से कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है आप अपना ड्यूटी निभाइए, हम अपना फर्ज निभाएंगे, हम इसको लॉकअप से बाहर निकालेंगे। आप खामोश बैठ सकती है मैडम सर, हम नहीं बैठ सकते हैं। करिश्मा सिंह खामोश हम भी नहीं रहेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे इसे बाहर निकालने की, लेकिन कानून की जद में रहकर। आप रहने दीजिए ना मैडम सर, आपने तो किया है सब कुछ है। आप ही ने कहा था ना ज्ञान बढ़ाओ, अंग्रेजी सीखो, वापस से नौकरी ज्वाइन करो। किया इन्होंने ज्वाइन, और देखिए कहाँ पहुँच गए आपके सामने। इसलिए अब जो करेंगे वो हम करेंगे, हम भरत को निर्दोष साबित करा कर रहेंगे। रुकिए करिश्मा सिंह, आप आज एक भरत को इंसाफ तो दिला देंगे, लेकिन हमारे देश में न जाने कितने भरत हैं जिन्हें रोज भाषा के नाम पर जलील किया जाता है, उनकी काबिलियत पर शक किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, उन सब का क्या? देखिए हमारा मकसद सिर्फ एक वायरल जैसे बैंक मैनेजर को सबक सिखाने से पूरा नहीं हो जाएगा, हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, उन्हें समझाने की जरूरत है कि हमारी हिंदी भाषा कितनी महान है। जरूरत है तो बस उसे समझने की, उसे इज्जत देने की, और उसे अपनी सही जगह देने की। तब सही मायनों में हम भरत को इंसाफ दिलाएंगे। करिश्मा सिंह ये एक लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमें आपके साथ की जरूरत है करिश्मा सिंह। अगर हम साथ हो जाएं तो हम जरूर जीत जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, फैसला आपका है। संतोष शर्मा हमने आपसे बैंक के एम्प्लॉयज की फाइल मांगी थी। वही दी है मैडम सर। आर यू श्योर? यस। अच्छा तो फिर बैंक में कुत्ता और बिल्ली कब से काम करने लग गए? कुत्ते हो जाता है गलती, हर बार करके दंत राक्षस बनने का जरूरत नहीं है तुमको। सॉरी 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 मैडम सर, ये कुत्ते बिल्लियों की मिसिंग रिपोर्ट आ गई।
ये वो फाइल जो आपने मांगी थी। फिर वही? फिर से गलत दीदी? फाइल ठीक है संतोष शर्मा, फिर वही मैसेज। किसका? किसी का नहीं, डीएसपी सर का मैसेज होगा नए फोन से। देख लीजिए। देख तो रहे? नहीं, मैसेज देख लीजिए। हाँ हाँ, देख लीजिए ना, पहले काम फिर मैसेज। संतोष शर्मा, हमने आपसे इनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए भी कहा था, उसका क्या हुआ? बैकग्राउंड चेक किए, सबका एकदम क्लीन है, किसी का कोई गड़बड़ नहीं है। That's strange, क्योंकि एक बात तो तय है, बैंक में से ही किसी ने भरत को फंसाया है। लेकिन मैडम सर, एक बात जो समझ में नहीं आ रही हुई है कि ये बेचारा गऊ आदमी किसी का बिगाड़ा होगा ना, मतलब किसी का भी इससे का बैर हो सकता है। जीता एक बात बताओ, जब तुम चावल खाते हो और दांत में कंकड़ अटक जाता है तब तुम क्या करते हो? चावल के साथ साथ कंकड़ भी चबा कर खा जाते हैं। ऐसा करते हैं बहुत लोग, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चावल में से कंकड़ को निकाल कर फेंक देते हैं फिर चावल खाते हैं। एग्जैक्टली, भरत जैसे ईमानदार लोग किस करप्ट सिस्टम में एक चावल में अटके हुए कंकड़ की तरह ही है, जिसे या तो कोई कुचल देना चाहता है या फिर निकाल कर थूक देना चाहता है। हो सकता है कि बैंक में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली हो जिसमें भरत एक कांटे की तरह फंसा हो, इसीलिए उसे जानबूझकर फंसाया हो। मगर किस तरह की गड़बड़ी मैडम सर? वही तो पता लगाना है पुष्पा जी, और उसके लिए बहुत जरूरी है बैंक पर मुतवातर नजरें बनाए रखना। मुतवातर? होता है, उर्दू है, तुम नहीं समझोगी। नजर रखा जाए मतलब हम पूरे बैंक स्टाफ पर नजर कैसे रखेंगे? बारी बारी से कस्टमर बन के जा सकते हैं। ये मासूमियत। संतू जी, इस तरीके से तो हमारे पूरे थाना के स्टाफ लोग को हुआ बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ जाएगा ना। हाँ, अकाउंट खोलेंगे, और अकाउंट में जमा क्या करेंगे? या खाने पीने के लाले पड़े हैं, अकाउंट में क्या खाक जमा करेंगे? एक मिनट, हम वहाँ पर कस्टमर बनकर नहीं एम्प्लॉय बनकर जाएंगे। हमें स्टाफ बनने की एक्टिंग करनी होगी, तभी हम वहाँ पर नजर रख पाएंगे। एक्टिंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। आपका इतना उतावली हो रही है। मैडम सर ने क्या कहा, एक्टिंग करनी है, और आपको तो पता है ना, हमारे रोम रोम में कण कण में अभिनय भरा पड़ा है, वो बस मौका ढूंढा कि कब फूटे कब बाहर आए। हम तो समझ नहीं जा रही खुशी हमसे, आप बस बताइए क्या करना है। संतोष शर्मा, अखबार देना। मैडम सर, सैलरी नहीं मिली ना मुझे, तो फिर वो अखबार वाले को मैंने पैसे नहीं दिए, अब उसने अखबार देना ही बंद कर दिया मुझे। आ गया। बिल्लू, तुम ये पढ़ो। मैं? ओके। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ, पढ़ते। जॉब अवेलेबल इन UFD बैंक, गोमती नगर ब्रांच। एग्जैक्टली, तो अब इस जॉब के लिए हम अप्लाई करेंगे, वहाँ जाकर एस्टेब्लिश होंगे और फिर नजर रखेंगे। जॉब क्या है? सिक्योरिटी गार्ड। ये तो बिल्ला हो गया ना। आगे आगे आगे। हाँ, सेल्स पर्सन इन क्रेडिट कार्ड। चीता, इसके लिए चीता एकदम परफेक्ट है। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। आप बोल देना तो बस हम बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, आगे 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 बढ़ो, आगे। ऑफिशियल रिकवर ऑफिसर इन लोन डिपार्टमेंट, मतलब वसूली दादा। ये तो हमें लगता है करिश्मा सिंह ही कर सकती हैं। बिल्कुल। आगे 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 कुछ नहीं है, खत्म बस। नहीं, इधर ला। अरे दिखा, मतलब इतना ही, आगे क्या पढ़ोगे, क्या है ही नहीं। हम समझ नहीं पा रहे मैडम सर, आप इतना घुमा फिरा के कान काहे पकड़ रही हैं। हमको दीजिए ना ऑर्डर, हम जाते हैं उठा कर लाएंगे, मरम्मत करेंगे ना, सब उगल देगा। करिश्मा सिंह, आपने हमसे वादा किया था कि आप बिना कोई सवाल किए इस प्लान में हमारा साथ देंगी, तो प्लीज वैसा ही कीजिए। नहीं मैडम सर, आप समझ नहीं रही है, वो संतु, वो पेपर, वो एक्ट के नीचे देखो क्या लिखा है, आप सुनिए। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स अप्लाई। बस वही अप्लाई कर सकते हैं जिसको अंग्रेजी आता हो, और हमारा अंग्रेजी तो आप जानते ही है आउट ऑफ स्काई है। तो मैडम सर, आपका ये प्लान तो हो गया है मिस्टर इंडिया। तजुर्बा कहता है हमारा कि रास्तों में दोष वही ढूंढते हैं जिन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचना होता, और जो मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें रास्तों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। इसलिए प्लान तो यही रहेगा करिश्मा सिंह, और आप सबके जॉब भी, आपका भी, चीता का भी, और बिल्लू का भी। लेकिन ये होगा कैसे? अंग्रेजी सीख कर। कहाँ रख दिया हमने? आप जो चीज ढूंढ रही है वो चीज हमारे पास है करिश्मा जी। ना, पहले डिसाइड कर लीजिए कि गर्दन घुमाना है या चाबी।
नहीं ना, हम सिर्फ चाबी नहीं घुमा सकते। वैसे आपको चाबी चाहिए? क्यों चाहिए? कहीं जाना है? नहीं नहीं, ऐसी बाइक के साथ मजाक करना है, उसको चुटकुले सुनाने का मन कर रहा है, उसको मन कर रहा है कि हम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाए। कहीं जाना है? हाँ जाना है, लाइए चाबी दीजिए, आप जाना। अरे मगर आप ऐसे चली जाएंगी तो फिर अंग्रेजी कौन सीखेगा? हाँ, और कल आपका इंटरव्यू भी तो है ना। बस उसी से दूर भागना, हमें नहीं करना इंटरव्यू। लाओ सुन, तू चलो। पुष्पा जी सही बोल रही है ना? हाँ पुष्पा जी एकदम सही बोल रही है, आपको चाबी नहीं मिलेगी, आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। वो आप टोपा कहेंगे तो क्या कहेंगे अंग्रेजी में? क्या क्या पा हो क्या? ये कंटा आप मारेंगे अभी, लाओ दो। अभी नहीं है, गायब। चाबी गायब? मुझे नहीं पता। संतू चाबी यहाँ दो। तुम रुको, नहीं हो सकता हमसे, हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, हमारी बस का बात नहीं है, हमें इन चोचलों से दूर कीजिए, हमको चाबी दीजिए, हम जा रहे हैं। करिश्मा सिंह, आप अंग्रेजी हमारे लिए, खुद के लिए या फिर इन सब के लिए नहीं सीख रही हैं, आप इस आदमी के लिए सीख रही हैं। हाँ। देखिए उस आदमी की तरफ, उसके चेहरे पर लिखा है कि वो दुनिया में किसी और पर भरोसा करे या ना करे, वो आप पर भरोसा कर सकता है। सिर्फ एक आप ही हैं जो उसे निर्दोष साबित कर सकती हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इस पर से चोरी का इल्जाम नहीं हटाया तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ये फिर और कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मौका है इसे निर्दोष साबित करने का, और ये सब करने के लिए हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाएगा, हमारे हाथ में नहीं रहेगा। आप समझ रही हैं हम क्या कह रहे हैं? अरे चिंता हमें अपनी नहीं है करिश्मा मैडम जी, चिंता तो हमें हमारे क्रांतिकारी दादाजी की है। पर वो तो नहीं रहे ना। शहीद हुए थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी कमाई उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही थी। अब ऊपर से अगर वो देख रहे होंगे कि उनका पोता चोरी के इल्जाम में जेल गया है तो सह नहीं पाएंगे, दोबारा शहीद हो जाएंगे। नहीं आप सब समझ क्यों नहीं रहे, हमारे बस का नहीं है, जो चीज नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। आप पानी में पकोड़े काय तल रहे हैं सबके सब? क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, एक ऑप्शन है हमारे आंखों के एकदम सामने, जीता जागता ऑप्शन है। आप तो इतना फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, आप काहे नहीं कर लेती? एक सेकंड में आप इंटरव्यू जो है वो पास कर लेंगी, तो आप कर लीजिए ना। अगर हम कर सकते तो आपको बोलते ये सब करने के लिए, हम नहीं कर सकते क्योंकि उस मैनेजर ने हमारा चेहरा देख लिया है, हमारा और पुष्पा जी का, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वही तो, वरना हम तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू पास कर लेते। ऐसा कोई नहीं है जो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को यहाँ नहीं जानता होगा। माना कि पूरा लखनऊ आपको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन उस बैंक का जो ब्रांच है वो यहाँ पर नया खुला है, वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज नहीं है, वहाँ आपको कोई नहीं जानता, आप एकमात्र एक ऑप्शन है हमारे पास। नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमको माफ कर दीजिए, हमारे बस का नहीं है। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं सीख सकता। जय हिंद सर। जय हिंद। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। पता चला आपकी व्यथा के बारे में, खेद है। भाषा ही तो है, सीखने में बुराई क्या है, एक बार प्रयास करके तो देखिए। आप भी प्रयास कर सकते हैं, अब माफ कीजिएगा लेकिन आपका भी अंग्रेजी भाषा में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो आप काहे नहीं सीख लेते हैं? अब ये असंभव है करिश्मा सिंह। ये कमाल है, मतलब आप सीखे तो असंभव है और हम एकदम से सीख जाए ये संभव है, ये कैसे हो सकता है? अच्छा हम आपको वचन देते हैं, अगर आपने अंग्रेजी सीख ली ना तो हम भी सीख लेंगे अंग्रेजी। वैसे बात तो सही है, सीख लीजिए ना आप भी अंग्रेजी। वैसे भी किसी दूसरे को सीख देने से पहले खुद को उस पर अमल करना जरूरी होता है। मैडम सर आप कहिए ना, आप कहेंगे तो मना नहीं करेंगे। पुष्पा जी आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप कहिए ना। देखिए करिश्मा जी ने भी वादा किया है। सर सब लोग इतना कह ही रहे हैं तो सीख लीजिए प्लीज। ये खुद भी कह रही है। हमने कहा ना है, ज्यादा साफ करेंगे तो उसका रंग ही निकल जाएगा। हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। लेकिन क्यों सर? Because I speak English very fluently, and when you already know something, then why would you want to learn it? Sir, आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर आप हिंदी में क्यों बात करते हो? क्योंकि हम हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी मातृभाषा में अपनी भावनाएं ज्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी हमारे दिल से निकलती है, और जो चीज दिल से निकलती है वो दिल तक जरूर पहुंचती है। ऐसा हमारा मानना है।
कमाल है आप, इतना अच्छा अंग्रेजी कब सीख गए अनु भैया? जब आवश्यकता अनुभव हुई तब, जैसे इस समय आपको इसे सीखने की आवश्यकता है। और जहां तक हम करिश्मा सिंह को जानते हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि करिश्मा सिंह न्याय और सच्चाई के लिए ये भी अवश्य करेंगी। करेंगी ना? करेंगे। गुड। कितना टाइम? और जी दवाई? कहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? प्रसाद बट रहा है कहाँ यहाँ पर? इंग्लिश क्लास है भाई, चलो निकलो यहाँ से, इसको प्रदूषित मत करो, निकलो यहाँ से। हमें भी सीखनी अंग्रेजी। अब अंग्रेजी हमको भी सीखनी है, हम भी बिजनेस अंग्रेजी में करेंगे, हम भी खूब पैसा कमाएंगे, समझो क्या है? कहाँ रह गया ये अंग्रेजी का टीचर, फोन करो उसको। नो। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना फोन करने की जरूरत है। नो वन टू नीड गो आउटसाइड एंड फोन कॉल्स। क्यों? क्योंकि आपके टीचर आ चुके हैं। कहाँ है? हियर। कहाँ कहाँ कहाँ? हियर हियर हियर। हियर मतलब इधर इधर। मैं हूँ आपका टीचर, इंग्लिश टीचर। आई एम बिल द स्पाई इज योर इंग्लिश टीचर। मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ओके अंडरस्टैंड? अबे ताला तोड़ना नहीं सीखना है, इंग्लिश सीखना है। ताला तोड़ता था, 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 डीड, डीड, प्रेजेंट में नहीं। नाउ आई एम नॉट अ चोर। यू टेल योर टीचर चोर, इंसल्ट मी। चीता, गो दिस कॉर्नर एंड टेक अ पोजीशन ऑफ मुर्गा। गो मुर्गा। ते चीता मुर्गा नहीं बनेगा। देन टेक अ शतुरमुर्ग पोजीशन। ओके, so now I tell you the secret of speaking English. आंखें बंद करो, नालायकों, अपनी आंखें अपने हाथों से बंद करो। अब मेरे साथ बोलो, tell you with me, I can speak English. I can speak in English. जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी? जय माता दी क्या? I can speak in English. I can speak in English. किसी के भी मुंह से अब आवाज आया ना तो छेद देंगे यहीं। और तुम ना अपना ये चूरनगिरी जो है ना, इसको बंद करो। अगर तुम्हें तरीके और सलीके से अंग्रेजी सिखाना आता है तो सिखाओ, वरना ऐसा उधेड़ेंगे कि लखनऊ में ना किसी से सिलवा नहीं पाओगे। ये बिल्ले समझ गए ना? नाउ मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब देंगे, वो भी इंग्लिश में। ओके, तो नाउ स्टार्ट। किससे करते हैं, किससे करते हैं? ओ बदनाम, स्टैंड अप प्लीज and tell me how to make tea in English. Batao please, chai kaise banate hai? Sabse pehle hilaein, then some milk, boil water in mixing, and adrak kuting, adrak in the boiling water in mixing. Ye liye chai ho gayi taiyar, 5 rupaye sirf. Chhi yaar chhi, ye bol kar bhi kitna ganda chai banata hai, bataiye. You sit. And Iqbal, please stand up and tell me how to cut hair in English. क्या? बाल कैसे काटे वो इंग्लिश में बताओ। Very simple, इधर आओ। What is this nonsense? I tell you how to cut hair in English. तो बाल तो किसी भी जबान में ऐसे ही काटोगे ना, बंजर जमीन। Iqbal, you're smart boy. Sit. And Cheetah, tell me. What you want your in life? I want Santosh ji. Okay, Shaturmukh, tell me where you see in your life in next 5 years? With Santosh ji. don't laugh, I'm your teacher. Tell me about yourself, your baby. I like Santosh ji. Iska kuch nahi ho sakta. And man, आप बताइए कि मैंने आपके बैंक से लोन लिया है और मैं ईएमआई देने के लिए मुकर रहा हूं, तो आप हमसे ईएमआई कैसे वसूल करेंगे, ये आप हमें इंग्लिश में बताओ।
Give me money. No, I not give you money. I want. Give me money. No, no, no. I not give you. Last chance. No means no. जो करना है कर लो. मत. एक टोपा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? Okay, give me money. You don't know Karishma Singh. Karishma Singh's bob. ये भोकाल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? भोकाल को भोकाल. काल मीन टेंस. ओ भोटेंस. भाग यहाँ से. टोपा कहें कि तुम्हारे जैसे घटिया टीचर से सीख के जाएंगे ना हम तो 100% फेल होकर आएंगे इंटरव्यू से. भगाओ इसको, नहीं सीखना हमको अंग्रेजी तुमसे. भागो यहाँ से. करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं? हमने आपसे अंग्रेजी सीखने के लिए कहा तो कम से कम हमसे तो एक बार बात कर लेते. कोई बात नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है. हमारे पास एक बहुत आसान रास्ता है. हम सारे सवालों के सही जवाब आपको लिख कर देंगे, बस आप उन्हें याद कर लीजिए. वो बिल्लू की भाषा में कहते हैं ना, रट्टा मार लीजिए. So, how much salary do you expect? $20,000. आप हंस कह रहे हैं? आप. It's not 20,000. It's 20,000, Karishma Singh. कुछ नहीं होगा तुम्हारा. कुछ नहीं. क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत बुरा. छोड़ो भी, सपना सच थोड़ी हो जाता है. इसी बात का तो डर है हमें कि ये भयानक सपना कहीं सच ना हो जाए. शांत 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 मैडम, शांत. कोई बहुत बड़ा भारी चीज थोड़ी है, इंटरव्यू ही तो है, हो जाएगा. मतलब डर जो है लगता है, बस वो चेहरा पर मत आने दीजिए. हमको देखिए मैडम, हमको डर लगने लगी चेहरा पे नहीं आएगा हमारा डर. पैर संभाल, डर के मारे पैर के पत्ते की तरह कांप रहे हैं. मैडम सर, इंटरव्यू का समय हो गया. एक बार फोन करके पूछे तो सही करिश्मा जी से कि. हाँ हाँ पुष्पा जी, वही कर रहे हैं. हेलो. हेलो करिश्मा सिंह. जी 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 मैडम सर. आपका इंटरव्यू शुरू हो गया? हाँ शुरू तो हो गया, लेकिन हमारा अभी नंबर नहीं आया है. ठीक है, घबराइए मत, आ जाएगा, जल्दी आएगा. एक बात बताइए, आपने सब कुछ अच्छे से याद कर लिया है ना? सब रट रहे, लेकिन घुस नहीं रहा दिमाग में. ऐसा लग रहा है सब फिसलता जा रहा है दिमाग से हमारे. पता नहीं हमारे लल्ला ने क्या देखा करिश्मा जी में, एक काम ढंग से नहीं करती. का कुछ बोली आप पुष्पा जी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. देखिए आपका इस तरह से घबराना ना बहुत नेचुरल है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं. आपकी वजह से एक इंसान को इंसाफ मिल सकता है, इसलिए प्लीज जो कुछ भी करिए बहुत ध्यान से करिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ. लंबी गहरी सांसें. जी जी रिलैक्स. हमारे लल्ला के तो ना भाग ही फूट गए. पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? अभी समय है कोई ये सब करने का? मैडम सर, वक्त का और इनके तानों का कोई लेना देना नहीं. वाओ बिल्लू. क्या बोले? सॉरी मिस्टर बिल्लू. या आप आ जाइए प्लीज. बिल्लू 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 प्रसाद. बिल्लू प्रसाद. या बिल्लू थोड़ा अजीब साउंड नहीं करता है? बिल्लू साउंड्स वेरी आउटडेटेड. ऐसे नाम तो लॉकअप में चोर बचकों के भी नहीं होते हैं. कुछ ऐसा होना चाहिए, ये वेस्टर्न इंग्लिश टाइप का नाम. एलेक्स, हैरी, जैकी, शॉन, शेक्सपियर. सीज व्हाट इज इन द नेम. कैन स्पीक इंग्लिश गुड and good security guy. No thief can get from Billu's eye because I am Billu the spy. Madam, आप इसे चिंता मत कीजिए.
बिल्लू नाम बड़ा इसे चालाक जुगाड़ू चांडाल टाइप से आदमी है, अपना सिलेक्शन करवा लेगा कैसे भी करके। पता नहीं इसमें बिल्ला क्या जुगाड़ करेगा, बस भगवान करे एक गंजा दूसरे गंजे की बात समझ जाए। क्या हुआ? मेरा मुंह देख के क्या लग रहा है? तू अंदर बहुत पिटाए हो, तुझे कहा? इसे भेजा आपने बिल्लू को, हाँ वहाँ अभिनय की जरूरत थी और आपको तो पता है ना अभिनय हमारे रोम रोम में कण कण में बसा है। हम अच्छा तो पुष्पा जी काम करो, अभी जो आपने बोला है वो इंग्लिश में बोल के दिखाओ। क्यों हिंदी समझ में नहीं आती? शिव जी आप सीता का ही कुछ कीजिए आप। हाँ What sir? Why are you so nervous? No sir, I am not nurse. Not nurse. Nervous. Ye bhi not sir. Ji sir. So you are Cheeta Chaturvedi and you have applied for the sales executive position, is that right? Ji, yes. Thank you, sir. Thank you. No. I want you to sell me this car. But sir, ये तो आप ही का है ना, आप ही को कैसे बेचते हो गल? Just pretend, okay? I want you to pretend. You have 5 minutes. Just sell me this credit card. I want to see your ability. क्या हुआ चीता? हुआ? बोला कि बताते हैं थोड़ी देर में, वो तो होल्ड पर डाल दिया। करिश्मा सिंह? हाँ मैडम सर, हमारा नंबर आ गया, हम जाते हैं। जय हिंद। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, अब डिस्कनेक्ट मत करिए, ब्लूटूथ अपने कान में ही रखिए। इस मिशन में हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप कहीं भी अटकी तो हम यहाँ से आपको जो जो बोलते जाएंगे वो सब आप रिपीट कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? हाँ समझ गए। ठीक है, ग्रेट, ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शिवजी, सो टेल मी व्हाई डू यू want this job? Karishma Singh, घबराई मत, हम जो बोल रहे हैं उसको रिपीट कर दीजिए बस, ठीक है? It is people's money. It is people's money. And they should get it. And they should get it. Okay, one final question. You are a woman, so how would you intimidate a person of my size to get the money? Okay, to iska jawab. Hello? Karishma Singh? Kya hua madam sir? Disconnect ho gaya. Woman collect money? Shayad yahi hai ki aurat hokar ek mard se paise kaise vasoologi? Come on, I'm waiting. I mean, just jawab do. How do you intimidate a person of my size to get the money back? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, गर्दन टूट जाएगी। अच्छा, जान पे बनाई तो हिंदी भाषा में बात करने लगे तुम। Give me what I want or you see Karishma Singh's भौकाल। मैडम, मैडम, जाओ 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 जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जी मैडम सर, हाँ वो लगता है ब्लूटूथ का बैटरी चला गया था ना। ओके, क्या हो रहा है? हो गया। हो गया? देखा, ये है हमारी बहू रानी। गुड जॉब करिश्मा सिंह।
मैडम क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अब पता लगा कि जब क्रेडिट कार्ड वाले लोग को मना करते थे तब उनको कैसा लगता था। सर हमें दुकान के लिए लोन चाहिए था। श्योर बट फॉर दैट यू हैव टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज। मतलब लाइक होम एग्रीमेंट पेपर्स फिक्स्ड डिपॉजिट। ओ भैया हिंदी आता है ना तुमको, वो हिंदी में तुमसे बात कर रहे हो, तुम उनको हिंदी में नहीं समझा सकते हो। पता है जब उनको अंग्रेजी नहीं आता है तो भारतीय हो ना, हिंदी बोल सकते हो तो बोलो ना, ताकि उनको भी लगे कि वो भारत में ही खड़े हैं। जी मैडम। धन्यवाद बेटा। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक यू फॉरगेटिंग योर जॉब एग्रीमेंट। आई सेड 10 क्रेडिट कार्ड्स अ वीक। इफ यू कांट डू दैट I'm gonna have to fire you. Thank you, sir. Have a good night, good rest. Sorry. Loan na, bhai. Credit card loan na. Le to yeah. Credit card lo. Chite. Haan? Kaha kya raha? मैडम सुबह से अलग अलग तरीका से अलग अलग स्टाइल से ट्राई कर लिए, एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं बिक रहा है हमसे। क्रेडिट कार्ड बेचना है यहाँ पर या मिशन पर आए हम? यहाँ पर किस लिए आए हम? यहाँ पर बताओ किस लिए आए? जो भरत था ना हाँ। उसको उसका मैनेजर निकाल दिया है। अच्छा हाँ हाँ तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक सांस में बताओ कि हम यहाँ किस मिशन पर आए हैं, वरना धुलाई कर देंगे यहाँ पे सबके सामने। वो जो भरत है ना वो बहुत सीधा साधा आदमी, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, लेकिन बैंक का मैनेजर को झूठा इल्जाम लगाकर उसको नौकरी से निकाल दिया, और कल उसका पेशी जो है ना वो कोर्ट में होने वाला है, और हम लोग उसी का सबूत ढूंढने के लिए ना यहाँ पर कोई झोल झपटा लगाकर यहाँ पर बैंक में चले आए हैं, ताकि हम बैंक के स्टाफ पर नजर रख सके। अब हमको समझ में आया मैडम कि आपको जो सवाल था ना क्या रहा, वही मतलब था केस में कितना प्रोग्रेस है, लेकिन हमारा जवाब यही है मैडम कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। मैडम हम पूरा कोशिश कर लिए, हम सब स्टाफ पर नजर रखे हुए मैडम, लेकिन कोई भी संदिग्ध अपराधी नहीं मिला है मैडम। दिस इज फेक। क्या फेक नोट? यस सर दिस इज अ फेक नोट, नकली नोट है, एंड आई एम सॉरी वी कांट एक्सेप्ट इट। अकॉर्डिंग टू आरबीआई पॉलिसीज वी नीड टू डिस्ट्रॉय इट। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो दुकान से लिया था। फेक। जीते जा जाके हेल्प करो। लेकिन मैडम हम जाके का ही हेल्प कर पाएंगे, आप तो जानती हैं हमको कि हमारा कितना। हिंदी आता है? हाँ हिंदी में हेल्प करो जाके, जाओ जल्दी जाओ हेल्प करो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस सर, and nowadays many fake notes are circulating in the market. It has happened to our other customers also. Sir, इनके कहने का मतलब है कि दूसरे customer लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है मेरी ही गलती हो, मैं दूसरा नोट लेके आता। मैडम सर हमें बहुत चिंता हो रही है भरत की, कल उसकी कोर्ट में पेशी है, कल तक अगर वो इंसान पकड़ा नहीं गया जिसने भरत को फंसाया है, उस पर लगे सारे इल्जाम सच हो जाएंगे, बेचारे का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा मैडम सर। अब नहीं पुष्पा जी आप टेंशन मत लीजिए, करिश्मा मैडम कहीं ना वो जरूर ढूंढ निकालेंगे उस आदमी को जिसने ये सब किया है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर संतू। घी शक्कर? पुष्पा जी घी से ना पिंपल आता है, जो शक्कर है वो बहुत फैट बढ़ाता है। तो कोई हेल्दी सी कहावत कहिए प्लीज। डीएसपी सर का फोन? जब से मैडम सर ने तोहफे में उन्हें फोन दिया है ना, मैडम सर का फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए पुष्पा जी चलिए। कहाँ चलिए? रुकिए ना सुनते हैं। मैडम सर वो हमें इम्पोर्टेंट काम याद आ गया तो हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। जय जय जय। हमारा जरूरी काम और हमें ही नहीं पता, तो ये बहुत गलत कर रही हो। कुछ आपको समझ नहीं आता बिल्कुल भी? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हसीना जी शॉपिंग के बारे में आपके क्या विचार है? जी हमने सुना है कि शॉपिंग एक अलग तरह की कला होती है, उसके लिए एक अलग तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो हमने सुना है कि औरतों में इनबिल्ट होती है। अगर हम आपके इस इनबिल्ट टैलेंट का लाभ उठाना चाहें, आपसे शॉपिंग की मदद चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए? माफ कीजिए सर लेकिन इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं, अगर आप चाहें तो किसी छुट्टी के दिन हम। अरे नहीं हसीना जी, हम वो बैग उठाकर साथ साथ घूमने वाली शॉपिंग की बात नहीं कर रहे। फिर
हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं जो कि मोबाइल से ऑर्डर देकर की जाती है। ओह अच्छा। वो क्या है ना, ये जो मोबाइल नाम का यंत्र आपने हमें भेंट किया है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए आपकी मदद चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको हमारे साथ छुट्टी वाले दिन शॉपिंग करनी है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। माफ कीजिए सर, लेकिन दूसरी लाइन पर हमें बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कॉल है, हम आपसे प्लीज बाद में बात करते हैं। जय हिंद। जी करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। हमको ना एक क्लू मिला है। क्या क्लू मिला है बहना? एक मिनट, आप अनु भैया? जी। मार्च हो गया। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? बस कुछ खास नहीं, शॉपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप और मैडम सर साथ में शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, हम साथ में शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। आपके अनु भैया को शॉपिंग करनी थी, हम सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे थे? अच्छा, आप हेल्प कर रहे थे उनकी। कहाँ हेल्प कर रहे हैं आप, कौन से मॉल में? बहना ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है फिर, कैसा आप बताइए, आप लोग साथ में नहीं है? साथ है परंतु नहीं है। हम फोन पर साथ में हैं करिश्मा सिंह। बहना हम फोन पर साथ हैं, दरअसल हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी तो हमें हसीना मलिक की मदद चाहिए थी, तो हमने हसीना मलिक को फोन किया, उनसे हम वार्तालाप कर रहे थे और आप बीच में टपक गए, यानी कि आपका कॉल आ गया। और हम कॉल डिस्कनेक्ट करना चाहते थे पर गलती से हमसे मर्ज हो गए दोनों कॉल। नहीं, हम सब समझ रहे हैं अनु भैया। जी नहीं, आपको कुछ गलत प्रतीत हो रहा है। देखिए माफ कीजिए, अगर आप दोनों का हो गया हो तो प्लीज काम की बात करें। आपने किस क्लू के बारे में बताने के लिए फोन किया था करिश्मा सिंह, क्या हो गया? हाँ वो जल्दी से ना 50,000 साथ में भेजिए। 50,000 की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? नहीं, हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं, 50,000 डिपॉजिट करने हैं, आप जल्दी से बंदोबस्त कीजिए 50,000 रुपए का और फटाफट जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे भेज दीजिए। ठीक है, हम कुछ करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। माफ कीजिए सर, लेकिन अभी थोड़ा अर्जेंट काम है तो हम आपसे बाद में बात करें। कोई बात नहीं हसीना जी, हम समझ सकते हैं। शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद। संतू जी आ गए। संतू जी हमको का रे? अब बच्चन साहब को हमें इज्जत उज्जत है कि नहीं? नहीं बेचारे का बोलते बोलते गला सूख गया। दो फीट की दूरी मास्क का जरूरी, फिर भी इतना चिपक के खड़ा है तुम। कर, दो फीट का दूरी रख तुम। दूर दो फीट, तुम जैसा दरिंदा आदमी को ना 2,000 करोड़ फीट दूर रहना चाहिए संतू जी से। चिपक के खड़ा काहे के लिए आया है तुम यहाँ पे, जाओ कहीं मर जाओ। हो गया तेरा? हाँ करिश्मा मैडम ने बोले सनी को साथ में लेकर आऊं, क्योंकि ये है जिसका अकाउंट इस बैंक में, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। समझा, जल कुकड़े। और संतोष जी क्या आप भी 5G का जमाना चल रहा है और पेजर पे अटकी हुई है? हाँ सब तैयारी है ना? हाँ बस पैसे जमा कराने मैडम। जाओ पैसे जमा कराओ और कैमरा लाया हो ना? हाँ फुल सेट है, ये देखो। बहुत बढ़िया, जाओ अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, जाओ। क्या जमा करना है जी? जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या चल रहा है वहाँ पर? जी हाँ, एक संदिग्ध बैंक कर्मचारी है, उसको थोड़ा अंडरलाइन किए हैं हम। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा कंफर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आप थोड़ा होल्ड पे रहिए ना, थोड़ा रुकिए। ओके ओके। I'm sorry, this is fake. Fake? Yes, sir, this is a fake note. Nakli note hai. And I'm sorry, we can't accept it. According to RBI policies, we need to destroy it.
मिल गया मैडम सर, मिल गया। अभी घसीट कर लाते हैं उसको थाने में और दिखाते हैं उसको कानून का भौकाल। अभी लाते हैं हम, ठीक है? नहीं नहीं करिश्मा सिंह, रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन काहे मैडम सर, क्या हुआ? करिश्मा सिंह, बहस मत कीजिए, हम जैसा कह रहे हैं वैसे करिए। ये सही वक्त नहीं है कुछ भी करने का, अभी कुछ भी करेंगे तो जल्दबाजी होगी। हमारी आंखों के सामने है, हम लेकर आते हैं मैडम सर उसको। करिश्मा सिंह वापस आइए, दैट्स एन ऑर्डर। नहीं, आपका दिक्कत क्या है? आज हमको फुल एंड फाइनल आप बता दीजिए मैडम सर कि आपको क्या प्रॉब्लम होता है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, कोई प्रयास करते हैं, तो आप हमको रोक देती हैं, आप उसके विरुद्ध हो जाती है। नहीं, क्या दिक्कत है आपका? आप चाहती थी अपराधी पकड़ा जाए, पकड़ा गया, भरत की बेगुनाही साबित हो गई, सब तो हो गया, फिर आपने हमें उस कैशियर को क्यों नहीं पकड़ने दिया? हम चाहते थे हम उसको पकड़ के यहाँ थाना लाए और उसको सबक सिखाए, लेकिन आपने हमको रोक दिया। केस तो सॉल्व हो ही गया था ना मैडम सर, फिर काहे रोका? मैडम सर, केस तो सॉल्व हो गया है, तो सबसे पहले मेरा बिल्लू निवास खाली हो जाना चाहिए। नहीं, भाग। करिश्मा सिंह, भरत के निर्दोष साबित होने से बेशक ये केस सॉल्व हो गया, कैशियर के पकड़े जाने से बैंक मैनेजर ये बात मान लेगा कि भरत बेकसूर है, लेकिन क्या वो उसे उसकी जॉब वापस दे देगा? चलिए मान लीजिए कि वो किसी प्रेशर में आकर वो उसे उसकी जॉब वापस दे भी दे, तो भी क्या वो इज्जत, वो वैल्यू, वो सम्मान जो भरत जैसा ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय डिजर्व करता है, क्या वो मिल जाएगी उसे? नहीं। जानती हैं क्यों? क्योंकि बैंक मैनेजर ये मानता है कि भरत ये जॉब डिजर्व ही नहीं करता, और वो ये ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि भरत को अंग्रेजी नहीं आती। बैंक मैनेजर और उसके जैसे लोगों का ये मानना है कि जिसे इंग्लिश आती है वो समझदार, बाकी सब बेकार। ये सोच, इस घटिया सोच को हमें बदलना है करिश्मा सिंह। उस बैंक मैनेजर को ये एहसास दिलाना है कि भाषा चाहे कोई भी हो, वो अपने अपने देश में और अपनी अपनी जगह पर बहुत सही है और बहुत महान है। दो भाषाओं की तुलना करना ये बात बेकार है, ताकि अगली बार भारत जैसे लोगों को भाषा के नाम पर जलील ना किया जाए। बैंक मैनेजर जैसे लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमने इतने अच्छे एम्प्लॉय को लिया है जिसकी हिंदी इतनी अच्छी है, शायद आपसे और हमसे भी ज्यादा अच्छी, तब जाकर ये केस सॉल्व होगा सही मायने में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम सर, हम शायद भूल गए थे कि हमारा मकसद भरत को इंसाफ दिलाने के साथ साथ उस मैनेजर जैसे लोगों को भाषा का महत्व दिलाना भी था। समझिए, भरत को तो इंसाफ मिल ही गया है, लेकिन मैनेजर जैसे लोगों का हम क्या करेंगे, उनको हम कैसे समझाएंगे? तजुर्बा कहता है हमारा, तिजोरी की रखवाली करनी हो तो चोर से दोस्ती कर लो। मैडम सर, मुझसे क्या दोस्ती करोगे, मैं तो आपके साथ ही हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं बिल्लू। ओके फाइन, हम बात कर रहे हैं बैंक के अंदर बैठे उस चोर की, हमें उससे दोस्ती करनी है। राहुल, राइट? नो, तुम्हारे बैच पर तो राहुल लिखा हुआ है। अच्छा, तो पूछ क्यों रहे हो? हम तो ऐसे ही कंफर्म कर रहे थे भाई, तुम काहे इतना उखड़ का रहे हो यार? तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी और का बैच लगा कर घूम रहा हूँ? नहीं, हमको तो ऐसा लगा कि हेलो इंग्लिश वायरल सर ने अगर हमें हिंदी बोलते देखा ना तो फाइन ठोक देंगे। ऐसे मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। ऐसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं इंग्लिश और तुम्हारी कभी बनी होगी। गजब है यार, हम तुमसे दोस्ती करने आए हैं, तुम हो कि तुम तो हमको धोए चले जा रहे हो। डूड, इंग्लिश, कैन यू फ्रेंडशिप मी? व्हाट? व्हाट आर यू फ्रेंडशिप मी? मतलब मैं सही था, इंग्लिश में टार्जन हो। विल यू बी माई फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं। गॉट इट? कॉपी पेस्ट फ्रेंड्स। जा भाई, क्यों दिमाग खा रहे हो? हिसाब देख के बात कर, अगर साथ में चलेंगे ना तो ड्राइवर लगेगा। ऐसे एक बात बता, सच सच बोला, ऐसी इंग्लिश के साथ तूने इंटरव्यू पास कैसे किया? ऐसे जैसे दिखते हो ऐसे तो हो नहीं तुम, किस फिराक में हो? देखो, दोस्ती करनी है तो सच तो बोलना पड़े, बताओ। नहीं, योर विश। कोई कुछ जाने ना जाने, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं भैया। ये देखो, हमारा हमारा, हमको दे दो। नहीं दिखा रही,
देखो क्या चाहते हो तुम लोग, इस क्लिप को प्लीज डिलीट कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज आई बेग ऑफ यू, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हम तो तुमसे हाथ मिलाने के लिए आए थे, तुम तो हाथ जोड़ रहे। बताओ, अभी थोड़ा देर पहले तो बड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहे थे कि हिसाब से बात किया कर, साथ चलेगा तो ड्राइवर लगेगा, फाइन मार देंगे तो पूरा महीना का बजट हिल जाएगा तुम्हारे, अब नहीं बोलोगे? देखो भैया माफ कर दो, गलती हो गई। नहीं वैसे सही पहचाना तुमने, हम जो दिखाई देते हैं ना वो है नहीं, और जो है अगर वो दिखाई दे गए तो उसके होने का फायदा क्या? मैं कुछ समझा नहीं। देखो भैया ऐसा है, हम यहाँ 8-10 हज़ार का रेजगारी कमाने नहीं आए हैं, हम आए हैं यहाँ बड़ा हाथ मारने। कब तक ये 5-10 हज़ार का तुम ये टुच्छागिरी करते रहोगे? माँ हमसे हाथ मिलाओ, लाखों कमाओगे, समझ रहे हो बात को? और वो कैसे? कैसे मतलब? देखिए कितना गजब का आदमी है भाई, मतलब दोस्ती किए बगैर सारा राज जानना चाहते हैं, कैसे दोस्त तो बन जाओ यार पहले। विल यू बी माय फ्रेंड? हिंदी मुझसे दोस्ती करोगे? अरे हिंदी में तो जान दे दे यार। तो बताओ करना क्या है? मिस्टर वायरल किंग। Is there a problem, madam? Yes, there is a problem. हमें खबर मिली है कि आप यहाँ बैंक की आड़ में नकली नोट्स यानी कि फेक करेंसी का काला धंधा चला रहे हैं। That's impossible. We are a reputable bank. हाँ तो ठीक है ना, तलाशी ले लेते, आपकी भाषा में अभी मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। प्लीज एक मिनट। करेंसी कहाँ रखी जाती है? मेरे कैबिन में, अंदर लॉकर। दिखाइए। जी या प्लीज आइए। इन्हें कैसे पता चला? हम पुलिस हैं, सारा जानकारी रखती हैं। और वैसे भी नकली नोट मिलेंगे तो मैनेजर फंसेगा ना हमको। मस्त रहो। तुम क्या चिंता कर रहे हो? चील रहो एकदम, चील इंग्लिश में है? ये देखिए। नकली, सब नकली मैडम सर। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है मिस्टर वायरल किंग। नकली करेंसी का काला धंधा चलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे फसाया जा रहा है। आपको कौन फसाएगा मिस्टर वायरल? देखिए इनको, लुक एट दीज बॉयज एंड गर्ल्स। ये आप ही के स्टाफ के पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हुए लोग हैं। ये आपको कैसे फंसा सकते हैं? ये तो इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर हिंदी में बात करने वाला कोई होता तो वो ये काम जरूर कर सकता था, लेकिन वो तो एक ही था ना भरत, आपने उसे अरेस्ट करवा दिया। इनफैक्ट भरत अब भी हमारी हिरासत में है और इस वक्त हमारे साथ है। ये काम आपने किया है इसलिए गिरफ्तार भी आप ही को किया जाएगा और केस भी आप ही पर चलेगा। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम जी हमें लगता है कि मैनेजर साहब सच कह रहे हैं, इनको बिल्कुल भी उन नोटों के बारे में कदापि नहीं पता, ये निर्दोष है। अच्छा, और ये बात तुम किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैडम जी सीधी सी बात है, हर बैंक में डेली कैश के चार्ट बनते हैं जिसमें डेली कैश कलेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें अलग अलग फिगर के नोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि 100 के, 200 के, 500 के और 2000 रुपए के नोट। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब के लॉकर से जो नोट मिले हैं वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट हैं। तो सवाल ये है कि कैशियर द्वारा मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन सौंपने के बाद और मैनेजर साहब को वो सारा कैश कलेक्शन अपने लॉकर में रखने के बाद ये सारे अलग अलग फिगर के नोट सिर्फ 2000 रुपए के फिगर में कैसे हो गए? और इसका सीधा सा जवाब ये है कि किसी ने इनके लॉकर से असली नोट निकाल कर नकली नोट इनके लॉकर में रख दिए। हाँ, मुझे फंसाया गया है। मैं निर्दोष हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। थैंक यू सर। कहाँ चला गया तू यार, तू तो एक फरिश्ता है। कमाल की बात है ना कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ इतनी सी बात समझ नहीं पाया लेकिन इस हिंदी भाषी की वो बात समझ में आ गई और अब वो आपके लिए फरिश्ता बन गया है। किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए काबिल दिमाग और सुलझे इंसान की जरूरत होती है। पता नहीं इस पर चोरी का इल्जाम कैसे आते आते उस पर भी आते।
उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि आपको किसने फंसाया, किसने उस तिजोरी में नकली नोट ला कर रखे। जल्दी से बता दो किसने किया है ये कांड, वरना ऐसा बवंडर मचा देंगे ना। हाँ, बवंडर कह रहे हैं हम कि सब कुछ हिला डालेंगे। हमने चुराए पैसे। हे शिवजी, ये तो आधे पैसे, आधे कहाँ है? ये इनके पास है। क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाया जा रहा है। सब बिलीव मी आई एम इनोसेंट, सीरियसली डोंट हैव एनी मनी विद मी। यहाँ है, हटो 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 हटो, बाकी पैसे यहाँ है। इनके घर से, इनकी तिजोरी से ये पैसे मैंने चुराए, और प्रूफ के लिए हमने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल से, क्योंकि ये बाद में कहेंगे आई हैव नो मनी। नो, ही इज अ चोर। बकवास कर रहा है ये, और ये मुझे चोर बोल रहे हैं, ये तो खुद चोर है। था, था। और ये क्या, ये सब के सब चोर है। हम चोर नहीं है, हम चोर को पकड़ने आए थे जो हमने पकड़ लिया है। हम SI करिश्मा सिंह है, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। क्या समझे? हाँ, मैं बाबू कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हमने बनाया था ये चोरी का प्लान। ये किसे लेके आए? शक्ल देख के क्या लग रहा है कौन है ये? चोर? बस वही है। पर इस चोर को यहाँ क्यों लेके आए हो? मैनेजर का लॉकर खोलना है। एक तो प्रोफेशनल आदमी तो चाहिए था ना, इसीलिए लेकर आया है इसको, समझो, गाइड करेगा हम लोग को। लॉकर कहाँ है? अंदर अंदर, आइए आइए। इसको पता चल गया तो? चल गया तो क्या ही हो जाएगा, हाँ? कुछ भी तो नहीं हो पाएगा। क्या है कि बैंक तो अपना है नहीं, ये लॉकर जो है ये भी अपना नहीं है। बैंक का लॉकर है, मैनेजर फंसेगा है, पुलिस उसको पकड़ेगी। हम लोग तो एकदम सेफ, हम लोग पैसा को ना आधा आधा मार लेते हैं। ये आपका प्लान था? जी, हमारा प्लान था। मतलब यहाँ कोई चोरी हुई नहीं थी कभी? चोरी यहाँ हुई थी, हर रोज हुई थी, लगातार हुई थी, और पिछले कई दिनों से हो रही है। और ये सारी चोरियाँ की थी आपके कैशियर राहुल ने। इसका काम ही यही था, बैंक में जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनके नोटों में नकली नोट मिले हैं, ऐसा झूठ बोलकर उन्हें ठग लेना। और इस बात का पक्का सबूत है हमारे पास। इनफैक्ट भरत को भी झूठे इल्जाम में इसी ने फंसाया था। क्यों? बताओ। इसके रहते चोरी करना नामुमकिन था, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है ये। फिर इसे पता चल जाता तो सीधे जेल जाता। वाह क्या बात है, इतना ईमानदार एम्प्लॉय को आपने निकाल दिया नौकरी से सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि भाषा किसी का किरदार नहीं बताती, वो तो बस एक दूसरे से बात करने का जरिया है। भाषा की बिना पर नहीं, काबिलियत की बिना पर लोगों को परखना चाहिए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं भरत को उनकी नौकरी इज्जत के साथ वापस लौटाता हूँ। भरत, मुझे माफ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं श्रीमान। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। संतु, 409 नंबर का फाइल दो, इसमें से 2-3 चालान गुल हैं। संतु, प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं। 409 नंबर का फाइल दो। प्यार है? प्यार नहीं। प्यार है? प्यार नहीं है। संतोष शर्मा, हाँ? अगर ऐसी हमारा बात इग्नोर करती रहोगी ना तो जॉब है
जॉब नहीं है, जॉब है, जॉब नहीं है, यही करती रह जाओगी, समझ रही हो हमारी बात? अरे क्या फूल के पत्तों को तोड़ के किसका लव लाइफ का अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भी पता चले? आपके और हमारे, हाँ, क्योंकि आपको हमारे साथ कितना लगाव है ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए गुलाब की पंखुड़ियों से पूछ रहे थे हम। नाम है आपका पुष्पा, और बातें ऐसी कांटों की तरह चुभती है ना आपकी, कि क्या बताएं आपको। नहीं, क्या चल क्या रहा है, ये थाना है या फिर गार्डन है ये? ओहो, हम शिव जी से पूछ रहे थे कि डीएसपी सर और हसीना मैडम के बीच में कुछ होगा कि नहीं। नहीं हो सकता उनके बीच में कुछ, देखो उनके बीच में ना सावधान विश्राम जय हिंद यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो गया तो वो सिर्फ सल्यूट, समझ गए? अच्छा, मुझे तो लगा वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है ना पुष्पा जी। अरे हाँ हाँ, एकदम राम मिलाई जोड़ी है, जैसे हम और हमारे लल्ला के पप्पा थे। सुनिए दोनों की दोनों हमारा बात, 100% गलत है ये बात, समझ गए? एक बार को लखनऊ पुलिस और कानपुर पुलिस वो एक हो जाए, लेकिन मैडम सर और अनुभैया कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए ना, वो क्वालिटीज जो है वो अनुभैया में दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? अगर आप इतना सब कुछ जानती हैं तो ये भी बता दीजिए ना कि मैडम सर को लड़के में क्या क्या विशेषताएं चाहिए जो आपके भैया में नहीं है। अम्मी आप तो जानते ही हैं। अच्छा ठीक है, लड़का कैसा भी हो उसमें जज्बात जरूर होना चाहिए, वो औरत की ताकत को समझे या ना समझे, औरत को बस कमजोर ना समझे। और हाँ, बच्चों से प्यार होना चाहिए और खास तौर पर अपने देश से प्यार होना चाहिए, ठीक है? अब समझ गए, अब आपको याद रहेगा। अल्लाह करे कि तेरी यही सारी ख्वाहिशें तुझे एक ही लड़के में मिल जाए। जैसे गई रात मेरे सपने में ताजमहल आया था, और तुझे तो पता ही है कि जब जब मैंने सपने में ताजमहल देखा है तब तब कोई अच्छी खबर मिली है, हो सकता है इस बार तुझे तेरा शाहजहां मिल ही जाए। हाँ, आपको ताजमहल दिखा मतलब हमें तो शाहजहां मिल ही गया समझो। आप बात करेंगे? अम्मी हमारे इन ड्राइवर साहब को हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता चल जाए इससे पहले प्लीज हम फोन रख दें। जी खुदा हाफिज। और जहाँ तक हम अपने अनुभैया को जानते हैं ना, उनमें ऐसा खूबी दूर दूर तक नहीं है, समझ गए? कैसी बहन है आप? बहन वो होती है जो अपने भैया के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, और देखो ये बहन है जिसको अपने भैया में कोई खूबी नजर नहीं आती। वेरी बैड करिश्मा मैडम। क्या बात का फालतू में बवाल बना रही हैं आप? क्या कहा है हमने? हमने यही कहा है ना कि मैडम सर को जैसा लड़का चाहिए वैसी खूबियां अनुभैया में नहीं है, क्या गलत कहा हमने? कई बार प्यार होने के बाद खूबियां नजर आती है करिश्मा मैडम, बस एक बार डीएसपी सर और हसीना मैडम में प्यार हो जाए फिर देखना, हसीना मैडम को सारी खूबियां नजर आएंगी डीएसपी सर नहीं आएगी, 6-7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं आएंगी ये खूबियां उनमें, समझ गए आप? और ये गुलाब के टोटको से अगर शादियां होती ना तो ये सरकारी दामाद की जगह ना बिल्ला किसी का प्राइवेट दामाद होता, समझे? हेलो, मुझे किसी ने याद किया? नहीं, तुम जो कर रहे थे वो करो, सो जा जाके जाओ। नींद नहीं आ रही है मैडम। मैडम आप अपनी कोयल की आवाज में लोरी सुना दो ना। बेटा तुमको लखनऊ का ऐसा लोरी सुनाएंगे ना कि तुम्हारे कान से ऐसा धुआं निकलेगा कि क्या बताएं। ओहो, पहली लाइन में ही मेरी आंखें भारी हो गई। थैंक यू मैडम, गुड नाइट। नहीं, आप लोगों को और कुछ काम नहीं है इस मुद्दे के अलावा इस थाने में? हाँ हाँ है भाई है, हमारे पास बहुत काम है। आज हमें हेडक्वार्टर जाना है कुछ पुराने केसेस की फाइल रिपोर्ट्स लेकर, जो विस्तार से सिर्फ हमें ही पता है, तो हम निकले। जय हिंद मैडम। जय हिंद। एक्सक्यूज मी। यस, क्या आप ही हसीना मलिक हैं? जी कहिए। मैडम मुझे मेरा हक चाहिए, मुझसे मेरा हक छीना गया है। अंदर चलिए, अंदर बैठकर बात करते हैं। आइए। बताइए आपका नाम। दीप्ति। बताइए आपकी तकलीफ। तकलीफें तो दीदी बहुत है, पर अभी लेटेस्ट बताती हूँ। मुझे मेरा हक चाहिए, साड़ा हक एथेरा। अगर आपको गाने का शौक है तो आप किसी रियलिटी शो में जाइए, और अगर जा ही रही है वहां पे तो थोड़ा सुर से गाइएगा तो ही सिलेक्शन होगा। वो क्या है ना, हम ठहरे पहलवान, तो अब अखाड़ा हो या गाना, हम तो कुश्ती ही करते हैं। लेकिन अब तो कुश्ती करने के लिए हमारा अखाड़ा ही हमारे पास नहीं रहा। तो मतलब आपको अखाड़ा चाहिए? हाँ जी।
सॉरी पर अखाड़ा तो हमारे पास भी नहीं है। आप पहलवान हैं? नहीं। तो फिर आप अखाड़े का क्या करेंगी? एक्चुअली क्या है, हमारे बाऊजी वो पहलवान थे, उनका खुद का अखाड़ा था, बड़े बड़े नामचीन पहलवान वहाँ पे ट्रेनिंग करने आते थे। हमारी शादी हो गई तो हम ससुराल चले गए। कुछ टाइम के बाद बाऊजी का देहांत हो गया और अखाड़ा वो भैया संभालने लगे। वो अखाड़ा हमारे बाऊजी ने बनाया है, उस पे हमारा भी हक है, हमारा भी हिस्सा है। हमने जब ये बात भैया से कही तो उन्होंने हमें धुतकार दिया और कहने लगे जाओ अपना ससुराल संभालो। एक बात बताइए, प्रॉपर्टी मांगने के लिए कहीं आपके ससुराल वाले आपको फोर्स तो नहीं कर रहे? जी मतलब? मतलब लालच की वजह से आपके ससुराल वाले आपसे मजबूरन तो ये सब नहीं करवा रहे? ये लुच्ची का बैग 15,000 का है। लुच्ची? लुच्ची मतलब तुम्हारी सास का ना? हाँ। नहीं नहीं नहीं, लुच्ची परोडा इंटरनेशनल ब्रांड है। आपको पता नहीं होगा बट इनकी चीजें ना बहुत महंगी आती हैं। ये सब हमें हमारे ऑनलॉज ने दिलवाया है। ऑनलॉज आपका मतलब इनलॉज? सेम डिफरेंस, हमारे यहाँ चलता है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी लालची नहीं है, बल्कि ये लालच तो हमारे भैया आकाश में भरा हुआ है और हमारी मम्मी उन्हें फुल ऑन फीवर करती हैं। फीवर? फेवर? सेम डिफरेंस। देखिए हम बस इतना चाहते हैं कि आप सब उन्हें ये बता दें वो जो भी हमारे साथ कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए दीप्ति जी हम ना आपको समझाते हैं। क्या है कि डॉटर्स राइट लॉ जो है ना वो ये कहता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत, मतलब जैसा पहले था कि लड़की लोगों को उनके बाप के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, तो 2005 में एक अमेंडमेंट पास हुआ और उसके तहत ये आया कि लड़की लोगों का भी उनके बाप के संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि लड़का लोग का है। मुबारक हो, आपको मिल सकती है संपत्ति, आपको पूरा आधा आधा हिस्से मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। थैंक यू, वेलकम वेरी मच। अब हम आकाश भैया को बता के रहेंगे कि हम लड़की हैं तो क्या हुआ, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये तो पहलवान है। सारी सारी, हमें जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो हमारा मन फिजिकल तोड़ फोड़ करने को करता है। वो क्या है ना, हम पहले पहलवान थे, शादी के बाद छोड़ दिया, अब वक्त आ गया है हम दोबारा पहलवान बने। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, हम आपके भाई और आपकी माँ से बात करके समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर अमन और शांति बनाए रखिए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंकिंग यू वेरी मच, योर वेलकम। बाप रे बाप। संतोष शर्मा, अभी अभी आपने जो नोट्स लिखे हैं वो दीजिए जरा। प्यार है प्यार नहीं है, प्यार है प्यार नहीं है, क्या है ये? हाँ बताओ, जो सुबह प्यार का मूसलाधार बारिश हो रहा था वो क्या था बताओ अभी। संतु जी, दरअसल ये वो पुष्पा जी का टेबल है ना ये, और ये उनकी डायरी है, तो पुष्पा जी उनके लिए ये उनके पिताजी इनके पिताजी नहीं, जो लल्ला है, लल्ला के पिताजी ऊपर चले गए ना, तो उनके लिए लिख रही थी कि वो अभी भी प्यार करते हैं कि नहीं करते। जो एक्चुअल नोट्स लिखे हैं वो अब देंगी? अब हाँ। ठीक है, हमें आज शाम को जरा पर्सनल काम से थोड़ा जल्दी जाना है, मेक श्योर कि इनकी माँ और इनके भाई 4 बजे के पहले थाने आ जाए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैडम सर जाएंगी डीएसपी सर से मिलने के लिए। अच्छा तो पूछ लेते हैं अभी उनसे। नहीं, नहीं, ना पूछ लेते हैं। संतु जी कहाँ चली गई? संतु जी तुम काम पे ध्यान दो ना।
ये है महिला पुलिस थाना, यहीं पे केस दर्ज करवाया है तुम्हारी बिटिया ने। अब पहलवान पहलवानी छोड़ कर काम करेगा कि मतलब कोर्ट के चक्कर लगाएगा, बताओ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो जाएगा अम्मा, लेकिन अब आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब क्या है, थोड़ी मदद चाहिए थी, हो पाएगी क्या? क्या मदद चाहिए भाई साहब? महिला पुलिस थाने में कुछ सेटिंग वेटिंग है आपकी कि नहीं? महिला पुलिस थाना तो हमारे ही बलबूते पर चलता है, क्यों? आइए बैठिए ना। ओम ए बदाम, तीन चाय। नहीं नहीं, चाय चाय नहीं, चाय नहीं, चले। बोलिए। हमारे खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। अच्छा, उसी की सेटिंग चाहिए थी। तो बताइए क्या केस है? केस प्रॉपर्टी का है, हमारी सगी बहन ने लगाया हमारे ऊपर। आपके बहन का नाम दीप्ति है? दीप्ति आप जानते हो? माँ जी मैंने पहले ही कहा ना, ये महिला पुलिस थाना मेरे ही बलबूते पर चलता है। पैसे पैसे थोड़े कम है हमारे पास, लेकिन हम 10 दे देंगे आपको। 10 रुपए? भाई साहब हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, फिर 10,000 की बात कर रहे हैं। तो कुछ एडवांस? हाँ हाँ, ये लीजिए। हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बताइए आकाश, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी बहन को उसका हक नहीं देना चाहते? अरे मैडम, हम किसी का हक नहीं मार रहे, हम तो बस अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते हैं, इस अखाड़े को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हमें बस थोड़े से वक्त और कुछ पैसे की जरूरत है, जिस दिन वो आ जाएंगे हम अपने बाबूजी का सपना पूरा कर देंगे। लेकिन हमारी बहन दीप्ति हमें अपने बाबूजी का सपना पूरा करने नहीं दे रही, हर बार हमसे अखाड़ा मांगती रहती। मैडम सर, ये सारा कसूर हमारा है, हमने ही हमारी बेटी को इतना सर चढ़ा दिया कि आज वो हमें और हमारे बेटे को सड़क पर लाने को तुली है। हमें तो लगता है कि ये हमारी बेटी नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। अरे कितने प्यार से उसके पिताजी ने बड़े घर में उसकी शादी करवाई ये सोच कर के वो खुश रहेगी, पर वो तो अपने नजरे गाड़ी हुई है हमारे अखाड़े पर। कौन चढ़ा रहा है सब जानते हैं हम, कितना समझाया उसे कि ये अखाड़ा अखाड़ा नहीं, हमारे स्वर्गवासी पति की इज्जत है, पर वो नहीं मानी, यहाँ आ गई हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखाने। ची 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 ची, इतना लालची, चुड़ैल भी सांप घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये तो अपना खून, और देखो कैसे कलयुग है भाई, किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते। बिल्लो देखिए, हमें लगता है कि ये फैसला खुद दीप्ति का है, कोई उसे प्रेशराइज नहीं कर रहा है। मैडम सर, हमको लग रहा है कि ना ससुराल वाले उस पे प्रेशर बना रहे हैं, जिसके चलते वो कुछ कह नहीं पा रही है। अगर आप हमको इजाजत दे तो हम लाते हैं उसको थाने, लपेटते हैं उसके ससुराल वाले को, 2-4 घंटा आप मारेंगे ना पूरा बॉडी में भौकाल मच जाएगा उनका, फिर कभी दहेज का बात नहीं करेंगे। एक मिनट, हर बार ससुराल वालों की गलती होती है, ऐसा नहीं है, आजकल बहुओं के पैर भी तो हवा में उड़ते रहते हैं ना। जब सास जमीन पर अंगारे बिछा के बैठी हो ना, तो पैर हवा में ही रखना पड़ता है पुष्पा जी। आजकल सास को सास कहाँ समझती है बहुएं? हाँ तो हेड कांस्टेबल कौन सा एसआई को एसआई समझ रही है? बस कीजिए आप दोनों, कभी तो जिंदगी में जगह और मौका देख लीजिए। देखिए आप लोग जा सकते हैं, हम करते हैं कुछ, आप प्लीज जाइए। जाइए जाइए, हम देख लेंगे। मतलब मैडम सर है वो देख लेंगे, वो किसी भी अन्याय होने नहीं देंगे, आप जाइए इत्मीनान से जाइए। करिश्मा सिंह, क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? ये तो मैडम सर दीप्ति के ससुराल जाकर थोड़ा छानबीन करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ कह सकते हैं। हमें निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। जय जय जय। हमको तो लगता है ना शायद हाँ मैडम सर डीएसपी सर से मिलने गई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।